नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी की बड़ी पहल स्वच्छता अभियान को लेकर, ये उनकी बड़ी पहल रही है। 67 गांवों के 300 प्रतिनिधियों को सफाई के प्रति जागरूक किया, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया है। स्वच्छता अभियान को लेकर ये इनकी बड़ी पहल है। 67 गांवों के 300 प्रतिनिधियों को सफाई के प्रति जागरूक किया, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने के लिए जागरूक किया गया। स्वच्छता जितनी हमारे लिए या नोएडा प्राधिकरण के लिए आवश्यक है, उससे कहीं ज्यादा आप लोगों के लिए आवश्यक है। आपके गांव साफ रहेंगे, आप भी लोगों को उसका लाभ मिलेगा, आपके परिवार को उसका लाभ मिलेगा। लगभग पिछले एक वर्ष से नोएडा प्राधिकरण द्वारा सफाई के क्षेत्र में काफी प्रयास किए गए हैं, और आप सब मानते होंगे कि जो व्यवस्था कई सालों से चल रही थी उसमें बहुत परिवर्तन आया है, बहुत सुधार आया है। यद्यपि अभी बहुत सुधार आना बाकी भी है, लेकिन हम जहाँ थे वहाँ से मुझे लगता है हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। एक वर्ष पहले तक हर घर से कोई गाड़ी नहीं आती थी जो कूड़ा उठाती। सबसे बड़ी अचीवमेंट हम लोगों के लिए है कि आज लगभग पूरा नोएडा, ना केवल गांव बल्कि सभी सेक्टर, सभी इंडस्ट्रियल एरियाज में हम डोर टू डोर एजेंसी के माध्यम से गाड़ियाँ जाती हैं और कूड़ा उठाती हैं। उसमें भी बहुत सारे चरण रहे हैं, शुरू में गाड़ियाँ कम रही, कुछ स्टाफ कम रहा, लगातार हम लोग गाड़ियाँ बढ़ा रहे हैं, और मुझे लगता है अब लगभग स्टेबलाइज हो गया है। क्योंकि कुछ एरियाज में पहले शिकायत रहती थी कि नहीं गाड़ी लगातार नहीं आती है, इधर हमने काफ़ी गाड़ियाँ बढ़ाई हैं और कुछ गाड़ियाँ और भी बढ़ाने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे रोजाना हर घर, पूरे नोएडा का हर घर रोजाना कवर हो, ये हम लोग का प्रयास है। दूसरा, जब घरों से कूड़ा उठेगा, अब हम लोग एक QR कोड हर घर को दे रहे हैं, हर घर के बाहर एक प्लेट लगेगी जिसमें जो व्यक्ति कूड़ा उठाने जाता है वो उसकी मोबाइल से स्कैनिंग करेगा, तो उससे ये क्लियर हो जाएगा हमारे पास कि नोएडा के जितने घर हैं, कितने घर हैं उनमें से आज कितने घरों तक वाकई गाड़ी ने जाके कूड़ा उठाया। तो ये ऑनलाइन डेटा हम लोग हर हाउस होल्ड की मैपिंग रखते हैं। स्वच्छता जितनी